बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं बुया का WM8 Pro K2 सीरीज माइक्रोफोन्स है। ये हमें चाहिए क्योंकि अब हम अपनी ऑडियो और इम्प्रूव करना चाहते हैं। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल सिस्टम के साथ आता है। इसके साथ आपको एक ट्रांसमीटर और दो माइक्स मिल जाते हैं वायरलेस बेसिकली। अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये नोट है Amazon के लिए। Amazon, if you're listening, अगर आपके packages ऐसे आ रहे हैं तो this is very very wrong, because ऐसे ही हमें ये receive हुआ था। This is not right. मतलब आपके resellers अब ऐसे packages भेज रहे हैं, पहले तो box में आ जाते थे, but ये वाला ऐसे ही deliver हुआ है। So we have left it exactly the way it should be. Open box वगैरह सब वैसे ही के वैसे ही है, हम लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं किया है। So please, मेरी recommendation आपको ये रहेगी कि आप प्लीज़ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए जब ये पैकिंग करके आपके रीसेलर्स भेजते हैं। बिकॉज यार, अब पता नहीं, हम इसको ट्रायल करके देखेंगे कि काम भी करता है कि नहीं काम करता है, हम वो सब टेस्ट करके देखेंगे, राइट? सो लेट्स सी व्हाट्स इन द बॉक्स। बेसिकली बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं आता है, ये है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब ये इसके अंदर एक ये केस आ जाता है प्लास्टिक का। अगेन, अगर आप स्क्रैचेस देख रहे हैं, लुक्स यूज्ड, बट एनीवेज, अब हमने इसको खोल दिया है। कैटलॉग है, आप में आपको इसमें कैटलॉग्स मिल जाती हैं, और उसके बाद आपको ये थोड़ा वारंटी कार्ड है बुया के स्टिकर्स बेसिकली, और फिर ये इसकी एसेसरीज हैं कुछ पैकेट्स में, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। फिर सिलिका जेल आ रही है, और फिर ये क्वालिटी इंश्योरेंस का एक टैग आता है जो बुया अपने हर प्रोडक्ट में डालती है। सिलिका जेल को हम फेंक देते हैं यार, इसका कोई काम नहीं रहता है। और ये है इसका ट्रांसमीटर। सो बेसिकली दिस इज अ ये माइक है, ये भी माइक है, और ये है इसका ट्रांसमीटर, राइट? तो अब हम जल्दी से, और बॉक्स में कुछ नहीं आता है, और कुछ भी नहीं है बॉक्स में, और हम जल्दी से अब क्या करेंगे कि आपको इसमें बैटरीज डाल के दिखाएंगे कि ये ऑन भी होता है कि नहीं होता है। बट ये देख लें कि इसमें कौन कौन सी एसेसरीज है। एसेसरीज में आपको यहाँ पे मिल जा रहा है बेसिकली, अगर हम इसको खोलेंगे तो यू हैव ए बेसिक, ये कनेक्टिविटी है, आई थिंक ये स्पीकर सिस्टम्स को कनेक्ट करता है। और क्या मिलता है यहाँ पे, और अगर आप देखेंगे, ये है आपका TRS केबल, और इसमें क्या है बेसिकली, अच्छा हाँ, ये लेवलियर माइक्स यूज़ करते हैं। सो एक तो ये ट्राईपॉड माउंट है बेसिकली, और ये इसका क्लिप जो आपके, और कुछ पर्स मिल जाते हैं जिसको हम लोग डेड कैट भी कहते हैं, और इसमें माइक्स होंगे। यप, इसमें माइक्स हैं। सो बेसिकली दीज आर द माइक्स, ठीक है, इसमें लगते हैं ये वाले माइक्स। और हाँ, अगर आप मार्केट में आपको और भी माइक्स मिल जाते हैं रोड वगैरह के, वो भी आप इसमें अटैच कर पाएंगे, बट उसमें आपको वो साउंड सिस्टम नहीं चाहिए, सिर्फ ये केबल चाहिए होगी, तभी वो काम करेगा भी, राइट? तो हम इस सब को साइड पे कर देते हैं। अब जल्दी से हम इसके अंदर बैटरी डाल के देखते हैं कि कैसे काम करता है, राइट? ओके, सो ये हमारे पास ड्यूरासेल की बैटरी है। हम लोगों ने रिसाइकल, मतलब वो जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है, वो भी मंगवा दी हैं, बट हाउएवर हम इसमें फिलहाल तो ये वाली बैटरीज लगा के देखेंगे। थैंक यू इरफान, क्लमजी हो गया यार। सो ये है इसका एक स्पीकर का सिस्टम। सो बेसिकली आप इसको ऐसे खोलेंगे, खोलने के बाद आप इसमें बैटरी है, बैटरी हम लगा दे रहे हैं बेसिकली, दैट्स द बैटरी, और इसमें लगा देते हैं। और फिर मैं जल्दी से दूसरी जो यूनिट्स हैं उसमें भी बैटरीज लगा दे रहा हूँ। तो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ओके, सो इसमें बैटरीज अब लग चुकी हैं तीनों यूनिट में। ये रिसीवर है और ये ट्रांसमीटर्स हैं दो, राइट? तो जल्दी से अब हम काम करेंगे कि ये जो बुया का, सॉरी, ये जो लेवलियर माइक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। सो बेसिकली ये थोड़ा विंड डिफेक्टर है, ये इसको डेड कैट भी बोलते हैं, और ये इसका क्लिप है, एक यूनिट में इसमें क्लिप लगा देते हैं। सो लाइक दैट, ये लग गया इसका क्लिप। और इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें ना माइक यूनिट, माइक का वो बना हुआ है, तो इसमें हम इसको स्क्रू इन कर देंगे
दबाने के बाद इसको स्क्रू इन कर देंगे ताकि वो एक जगह पे होल्ड हो जाए बेसिकली। सो अब पहले तो जो ट्रांसमीटर है, ये तो कैमरा में लगेगा बेसिकली। हाउएवर इसको ऑन करते हैं हम लोग। सो ट्रांसमीटर का ऑन बटन कहाँ है भाई? सॉरी, हमारे लिए नया है। सो इस समय वी आर ट्राइंग टू स्टिल फिगर इट आउट। हाँ, इसका ऑन बटन यहाँ पे साइड पे है, तो मैं अगर इसको ऑन कर दूँ, अब देखिए ब्लू लाइट आ गई है इसमें, और इसको भी ऑन कर देते हैं ट्रांसमीटर को, राइट। सो अब अगर आप इसमें देखेंगे इरफान, अगर थोड़ा सा पास में आएगा तो इसमें जो ब्लू लाइट है उसमें आपको बैटरी इंडिकेटर और चैनल टू, इसमें मल्टीपल चैनल्स होते हैं, आप जो चैनल पे आपको सही लगे उस पर आप सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें इसने चैनल वन पे एक माइक को पिकअप कर लिया है, तो हम वन पे वापस इसको ले जाएंगे। इस पे भी, यानी कि ट्रांसमीटर में भी आपको यहाँ पे ब्लू लाइट मिल जाती है बेसिकली। अगर आप देखें तो इसमें भी आपको बैटरी इंडिकेटर और चैनल बता देते कौन से चैनल पे वो है, राइट। अब इसको जल्दी से हम टेस्ट करेंगे बेसिकली, यही इसका सेटअप है। अगर आप ये दूसरे वाले को भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हम जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, इसमें भी हम लोग यही लगाते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जल्दी से। तो ये भी हो गया रेडी। अब इसमें अभी अगर वही है कि जल्दी से दबा के इसको अच्छे से दबा के, दबाने के बाद आप ये केबल कनेक्ट कर लीजिए। अब इसमें अगर इसको ऑन करते हैं तो इसकी भी बैटरी अगर आप देख रहे हैं ब्लू में हो गई है, चैनल वन वो भी वो बता रहा है बेसिकली। सो दैट्स इट, ये इसका सेटअप है। अब हम आने वाले कुछ दिनों में इसको ट्रायल करेंगे, ट्राई करके हम आपको ये दिखाएंगे कि एग्जैक्टली वेदर ये जिस पैकेजिंग में आया है, आई बी सरप्राइज्ड। मतलब मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग हो गया है, यूजुअली अमेजोन इज़ वेरी वेरी गुड विद देयर पैकेजिंग, और इस बार का जो पैकेजिंग आया है भैया कुछ मज़ा नहीं आया। सो अगेन आई विल रेकमेंड टू अमेजोन टू प्लीज़ हैव अ लुक एट योर लॉजिस्टिक्स लाइन, और अगर आपके जो राइडर्स हैं जाके पिकअप करते हैं रीसेलर से, तो प्लीज़ दे शुड मेक श्योर के इन द एंड ऑफ द डे जो पैकेजेस है वो बॉक्सड अप हो प्रॉपरली, क्योंकि जिस स्थिति में ये आया था मुझे तो लग ही रहा है, मैंने इरफान को भी बोला था कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बट हम इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद आपको बताएंगे ऑफ कोर्स। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट और वो घंटा भी दबा दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ, बाय। टेस्ट टेस्ट टेस्ट।